नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। शाजापुर जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक जिले में 200 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। शहर में आधा दर्जन से अधिक कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए गए हैं। शहर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन ने शनिवार को कंटेनमेंट क्षेत्र में सैनिटाइजर का छिड़काव किया, साथ ही राहगीरों आमजनों को मास्क का वितरण भी किया गया। यह आयोजन प्रशासन के मार्गदर्शन और केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजकरण चौहान के नेतृत्व में किया गया। शनिवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न कंटेनमेंट क्षेत्र पहुंचकर सैनिटाइजर का छिड़काव किया। इस दौरान पीपीई किट पहनकर छिड़काव करने का दायित्व संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सागर गौड़ ने निभाया। इस दौरान राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश मलिया और शाजापुर जिला अध्यक्ष रविंद्र वर्मा कुर्मी ने अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस से बचने की जानकारियां दी। शनिवार रविवार को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई। इस दौरान मास्क और त्रिकुट चूर्ण काढ़ा का भी वितरण किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवकरण लुभाना, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रत्नामाला, संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी अनीस खान, राष्ट्रीय सदस्य क्षितिज शर्मा, एडवोकेट मनोज सक्सेना, जिला सचिव सद्दाम खान, जिला महासचिव अभिषेक व्यास आदि मौजूद थे।